हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट के अंदर नया स्लाइड को लेना एंड उसके बाद स्लाइड का बैकग्राउंड को चेंज करना एंड उसके बाद स्लाइड का पेज सेटअप करना, ये सारा चीज वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर, लाइक कर, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही पावर पॉइंट को आप ऑन करते हैं तो पावर पॉइंट का कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसमें क्या है, यहाँ पे न्यू स्लाइड एक दिख रहा है ऑप्शन। इससे क्या होता है कि आप नया पेज ले सकते हैं, ठीक है, नया स्लाइड बोले या उसको आप एक नया पेज बोले, यहाँ से आप एक नया पेज ले सकते हैं, जिसमें जैसे ही आप नया पेज लेते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारा रन पे वैरायटी दिखता है। तो इसमें अलग अलग तरह से है, जैसे इसमें टाइटल के साथ साथ कंटेंट लिखने का भी स्पेस मिलेगा एंड इसमें क्या है, सेक्शन हेडर, केवल इसमें हेडिंग ही रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद है पिक्चर विद कैप्शन, अगर सपोज करिए आपको कोई ऐसा चीज लिखना है जिसमें ऊपर में पिक्चर हो एंड नीचे में उसका कैप्शन कुछ लिखना है, तब आप इस तरह का लेआउट लेंगे, एंड नहीं तो अदरवाइज आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो नॉर्मली एक स्लाइड हम लोग लेते हैं तो नॉर्मल स्लाइड में यहाँ कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अगर आपको ये नहीं पता कि ये फुल व्यू में कैसे देखना है, चाहे स्लाइड को कैसे प्रेजेंट करना होता है, तो आप कीबोर्ड के F5 बटन दबा के आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ जो अभी ये खाली एरिया जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये खाली एरिया कैसे फील होगा, इसका पेज सेटअप भी हम लोग अभी तुरंत देखने वाले हैं। जैसे आपके सामने स्लाइड शो हो चुका है, अब इस स्लाइड शो को आपको बैक करना है या एग्जिट करना है, तो इसके लिए नॉर्मली आप एस्केप बटन का यूज करें और यहाँ पे दिखता है, जैसे कि अभी आप नॉर्मल देखिए, अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये नीचे से ऊपर में जा रहा है। हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको ऊपर से नीचे आना चाहिए, तो इसके लिए कोई अदर नहीं आएगा, आपको यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन में आना है और यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे इसको लाना है ये ला सकते हैं। आप यहाँ देखिए, जैसे आपको इसको लाना है वही एनिमेशन रहेगा, इसका यहाँ पे वैरायटी है एक तरह से, सपोज कर लीजिए कि ये यहाँ से आप वैरायटी है, आप जैसे इसको प्रेजेंट करना चाहे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक पे हम लोग लगा लिए, साथ कंप्यूटर पर एनिमेशन लगा लिए, सेम इसी तरह से आपको इस पे कोई दूसरा एनिमेशन लगाना है तो आप यहाँ से नॉर्मल दूसरा एनिमेशन।
जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक तो आपको बहुत सारा ऑप्शन इसमें दिखने को मिलेगा, जैसे ग्रेडिएंट है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिंगल कलर को यहाँ पे, जैसे आप कलर चूज करने के लिए, ये देखिए जैसे भी आप कलर चूज करेंगे आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से होगा। यहाँ से आप उसका ब्राइटनेस भी इंक्रीज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज कर सकते हैं, जैसा भी आपको यहाँ से लेना है। ये देखिए हमारा कलर ग्रेडिंग या जैसे भी आपको लेना है, ये इसको ऑफर करना है या कोई अदर कलर यहाँ से आपको अप्लाई करना है, कुछ अप्लाई करना है भी आपको चाहिए, यहाँ से आप चूज करके आप बनते हैं, यहाँ से ब्राउन रेडी हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसको आप यहाँ पे बना सकते हैं और इसको जैसे आपको प्रेजेंट करना है यहाँ पे आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको यहाँ से नॉर्मली अप्लाई करेंगे तो ये देखिए हमारा वही नॉर्मल बैकग्राउंड अब कितना क्रिएटिव नजर आ रहा है। ये देखिए वह बैकग्राउंड है और कितना अच्छा क्रिएटिव यहाँ पे रेड यहाँ पे हो रहा है। आपको जैसे भी आपको करना है, ये देखिए हमारा ये प्रेजेंट हो गया। ये देखिए ये जो एक पेज से दूसरे पेज में लग रहा है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। तो आप अपने हिसाब से जब आप कोई भी टॉपिक पे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा से एनिमेशन और ट्रांजिशन का उपयोग करके आप अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।